हे hey दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हरिकृष्णा। आज आप लोग को बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक लेके आया हूँ। वर्ल्ड क्लास फैब्रिकेशन वर्कशॉप में आप लोग को बहुत ही शुक्रिया। न्यू वीडियो में आप लोग को जानकारी दिलाऊंगा पीपी क्या होता है, वेल्डिंग पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो क्या होता है, क्या क्या चीज लगता है, कौन सा को क्या बोलते हैं, आप लोग को एक एक करके समझाऊंगा और टेक्निकल भाषा में समझाऊंगा एक एक चीज को, की होता है, किस लिए लगता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, आप लोग को समझाऊंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो दोस्तों जो न्यू मेंबर है, जो पहले मेरा चैनल को आया है, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग को मिलते जाएगा। क्यों ना मैं एक अच्छा अच्छा वीडियो के लिए आप लोग को जानकारी हर हफ्ता हर संडे को देता हूँ। पहले देख रहे हैं आप लोग तस्वीर में सेफ्टी शू। सेफ्टी शू क्या होता है? सेफ्टी शू ए वन टाइप ऑफ इक्विपमेंट जिसमें हम लोग पैर में लगा रहते हैं, उसका लेदर का रहते हैं। तो होल्डिंग दे रूल पे आपका लो होल्डिंग मतलब आपको हॉट चीज होल्डिंग गलते हैं, मेटल गलते हैं उसका ऊपर रोज उस पैडल वगैरह गिरते हैं, तो वैसे आपको पा को प्रोटेक्टिव करने के लिए सेफ्टी शू जरूरत है। और लोहा लाइन पे आपको जब काम करोगे तो क्या होता है, जो लोहा लाइन पे बहुत हेवी हेवी इक्विपमेंट होते हैं उस टाइम पे आपको कोई जिस गिर जाएगा आपको चोट नहीं लगना चाहिए, इसलिए आप लोग को सेफ्टी शू पहनते हैं। गॉगल्स कह रहे थे, ब्लैक गॉगल्स कह रहे थे। क्यों ना आप होल्डिंग के टाइम पे रेडिएशन क्रिएट हो, रेडिएशन मतलब क्या है, जो आलो दिखते हैं ना एकदम झलक झलक आलो दिखते हैं वो बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन उसमें क्या होता है, रेडिएशन में से आपको आँख खराब हो सकते हैं, आपको आँख में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये रेडिएशन क्रिएट होता है। उसके बाद मास्क होल्डिंग दरून पे क्या होता है, जब वो बहुत सारा धुआं निकलता है, धुआं निकलने के टाइम पे आपका फूसफूस, आपका किडनी वगैरह, आपको लंग्स वगैरह उसमें डैमेज हो सकते हैं। बहुत टॉक्सिक एसिड, कार्बन ऑक्साइड वेरी मतलब क्लोरोफ्लो कार्बन बहुत कुछ होल्डिंग दरून पे तैयार होता है, ये वजह से आपको मास्क जरूरत है। और क्या है आपका जो एफ्रॉन मतलब हीट जनरेट होता है होल्डिंग के टाइम पे 3000-4000 डिग्री सेल्सियस में आपको होल्डिंग होता है, उस टाइम पे मेटल गलता है, मेटल को प्लेट को हीट होता है, तो आपका जो तो शरीर है, आपको जो चेस्ट है, आपको चेस्ट के लिए जो प्रोटेक्ट करने के लिए आपका एप्रोन जरूरत है। आपको मास्क का क्या होता है, फेस का मास्क आपको जरूरत है। क्यों ना आपको होल्डिंग टाइम पे जो धुआं निकलता है वो बहुत आपका स्किन है ना, स्किन ये स्मूथ स्किन है, आपको स्मूथ स्किन पर जल जाएगा, आपको मुंह पूरा काला काला हो जाएगा, तो आपको पहनने का क्या होगा, आपका स्किन बचेगा, आपका अच्छा होगा। हेलमेट क्या जरूरत होता है, हेलमेट आपका जो हेड है उसको सुरक्षा करने के लिए, आपका जो होल्डिंग करने में स्किन जरूरत है, ब्लैक का जरूरत है, आपको हेलमेट दे मिलता है वो। और क्या होता है आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लेग गार्ड। लेग गार्ड क्यों लगते हैं, जब होल्डिंग करोगे कोई वर्टिकल में कर रहे हो, कोई जॉब ऊपर में है, तो आप क्या करोगे लेग गार्ड में क्या करते हैं, जो स्पेडर गिरते हैं, जो छोटे स्पेडर गिरते हैं, तो आपको पा को सेफ्टी रखेगा। क्यों ना आपको पा में कभी भी गिर जाएगा तो आपको क्या होगा, कुछ आपका जल जाएगा, तो ये है आपको लेग गार्ड का कारण। और दिख रहे हैं आपको हैंड स्लिप। हैंड स्लिप का काम क्या है, आप जब होल्डिंग कर रहे हो आपका जो हैंड है, हैंड उसको सुरक्षा करने के लिए आपको हैंड स्लिप देते हैं, आपको हैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेडर से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए हैंड स्लिप देते हैं। क्यों ना हैंड स्लिप वजह से आपको भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ रुक सकते हैं। क्यों ना हैंड स्लिप आपको नहीं पहनेगा तो काला काला हो जाएगा, आपको स्पेडर गिरेगा, टूट जाएगा, काट जाएगा, तो लोहा लाइन पे काम करो दोस्तों, तो आपको ये सब चीज ध्यान रखने पड़ेगा। ये है पीपीई का। क्यों ना एक एक करके अब मैं आप लोग को समझाया स्पेडर क्या हो, उसमें स्पेडर क्यों गिरते हैं, आपको स्पेडर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, और उसमें हैंड ग्लोव्स क्यों पहनना चाहिए, हैंड स्लिप क्यों पहनना चाहिए, लेग गार्ड क्यों पहनना चाहिए, हैंड स्लिप क्यों पहनना चाहिए, फेस मास्क क्यों पहनना चाहिए, गॉगल्स क्यों पहनना चाहिए, मास्क क्यों पहनना चाहिए, सेफ्टी शू क्यों पहनना चाहिए, एक एक करके दोस्तों समझाया। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों कमेंट लाइक शेयर जरूर करने का। थैंक यू। जय हिंद। नमस्ते।